That is pretty cool. और ये व्यू ना सच में एकदम दिल जीत लेने वाला व्यू है. So what's up you lovely people, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और मस्त हो गए यार गाइस. और आप देख के अंदाजा लगाओ मैं इस वक्त कहाँ हूँ. तो गाइस फिलहाल तो स्वरूप नगर पहुँच गया मैं. ये क्रॉसिंग बताते हैं कि ये स्वरूप नगर वाला इलाका है पूरा. मैं तो आ गया, वो नहीं आया होगा. लेकिन 5:30 बजे बोल गए, 6 बजे आ रहा है तू है? साले 6 बजे सो के 5 बजे 5:30 बजे तू सो के उठा होगा. दस मिनट में आया हूँ, तेरे को कल भी कहा था 10 मिनट में आऊंगा. तेरे को कल भी कहा था रात को कि मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आने में. कैसे क्या गाड़ी है, आ गया 10 मिनट में और क्या. तो गाइस लीन करते हुए चलो भैया, चलो चलो आज का दिन नहीं मिलना दोबारा. सो गाइस इट्स एन अर्ली मॉर्निंग और हमारे सामने हमारा लियो है. एंड बस अभी हम एम्बुलेंस के लिए निकल रहे हैं. एंड मैं यहाँ पे 2 दिन से दिल्ली में था अपने भैया के पास. सो मेरा लियो और अंकित, और अंकित की ड्यूक 390. अभी चलते हैं, देखते हैं एम्बुलेंस में क्या माहौल बना हुआ है. एम्बुलेंस जाते हैं ना गाइस, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है. अगर आपको पता है, अगर आपको संडे को राइड करनी है ना, तो फिर एक्साइटमेंट के कारण आप सो भी नहीं पाओगे. ये होती है एक सच्चे राइडर की निशानी यार, कि बंदा एक्साइटमेंट में ही पता चले पूरी रात जगते हुए बीतती है हमारे. क्योंकि हफ्ते में ना एक दिन मिलता है हमें जिस दिन हम फुल मौज मस्ती राइडिंग मौज सब कुछ एकदम दबा के होता है. ओह शिट भाई गाइस, ये क्या देखने मिल गया. ओह माय गॉड डैम इट गाइस, बड़ा खतरनाक मंजर देखने मिल जाता है. ओह गाइस ये देखो, गाइस ये सी 900. ओह माय गॉड, भाई साहब, अरे भाई यार ये सारे बंदे गाइस एम्बुलेंस ही जा रहे हैं. अरे गाइस ये देखो, शिट शिट, ओह माय गॉड गाइस, इस वजह से ना मैं सुजुकी की एक भी गाड़ी प्रेफर नहीं करता. अरे भाई साहब, अरे गाइस ये एक तरफ जैगुआर, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है गाइस, बहुत भयंकर. अरे ये कहां से निकला अलग ही बंदा है, कार्टून मुझे पता है, ये भी एम्बियंस ही आ रहा है. और बता, अबे उसको देखा, कैसा कॉमेडी वाला बंदा था यार, कसम से कर पे दिया ड्राइवर. और कोई है जो निकलना चाहता है? कसम से, मतलब ऐसे ऐसे कार्टून बंदे ना, ना उसके पास जैकेट, उसका हेलमेट मैं देख रहा था, नकली हेलमेट था ठीक है. और उसके बाद
उसके बाद पता है क्या, उसके बाद फिर ऊपर से उसका हेलमेट ऐसे हवा लग रही ना तो ऐसे ऐसे हो जा रहा। देखो गाड़ियों का जमावड़ा, CBR वगैरह, भाई साहब 900 गाइस, ये देख लो एक से एक गाड़ियां हैं, भीड़ देखो यार आप कि गाइस बाइक्स कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। रॉक शर्मा CBR इज ऑल्सो कूल, लेकिन चीयर्स, गुड चीयर्स, कुडोस टू भाई, भाई अच्छा कर रहा है भाई, कैसे करते रहो काम। बॉयज़ आ गए। देखो हमारी गाड़ियाँ सबकी, उस तरह पूरी सुपर बाइक्स हैं, पूरे उधर सुपर बाइकर्स हैं भाई। ये देखो भाई चीरते हुए आवाज़, देखो भाई 310 इधर आपको सारी गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। वैसे देख लो कैसा माहौल होता है सुबह सुबह, उधर भी गाइस कुछ सुपर बाइक्स वगैरह टाइप भी खड़ी हैं, और गाइस उधर पूरा 10R का ग्रुप उधर खड़ा है। यानी भाई जो भी ये बोल रहा है ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पे विश्वास मत करना भाई, बिल्कुल मत करना भाई, झूठ बोलता है गाइस, विश्वास करना पड़ेगा, बिल्कुल झूठा बंदा भाई। तो गाइस यार वो देखो उधर पूरी 10R वगैरह सारी यार खड़ी है उधर ही। तो गाइस ये देखो ZX10 RR एडिशन, पता नहीं रैप है मेरे ख्याल से, सुपर बाइकर क्रू एंड स्टिल यार मतलब काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। आप आओ आपका दिमाग सब एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, एक अलग क्रेज़ मिलेगा आपको यहाँ लोगों में। ओह माय गॉड, तो गाइस ये तो राइडर्स का प्लेग्राउंड बन चुका है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे कार वाले बंदे ने Volkswagen Polo, वो देख सकते हो गाइस क्या टायर लाया भाई साहब, गाइस बुरी तरह से ऐसे तैसी हो गई है, तो समझ लो यार इतना पूरा धुआं 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 धुआं। चलो देखो गाइस ज्यादा पैसों की कमी नहीं है ना यहाँ पे, सब टायर फूकने ही तो आते हैं, मायापुरी है बड़ी। ये देखो गाइस Volkswagen वाले ने कितना टायर फूका है, Volkswagen हाँ वही भाई, क्या हो देखो गाइस बना दिया है भाई। आपका गुड नेम हितेश, कुलदीप नाम है भाई मेरा। चले तो गाइस जैसे मजा आता है, इतने सारे जब लोग होते हैं ना तब मजा आता है। साथ की बात अलग होती है, अगर आपके जैसे अच्छे लोग हों ग्रुप में तो इट एक्चुअली फील्स वेरी वेल। एंड ये देखो हमारे बीच अब कुछ इतनी मोस्टली गाड़ी दिखेगी ना सब KTM की KTM। ये मेरा भाई ड्यूक, ड्यूक मास्टर। ये अच्छा KTM रेसिंग लगा रहा है ये, अब तो विवेक भाई बस एकदम पीसफुली राइड करते हुए। विवेक भाई की एक बात बहुत अच्छी लगती है यार मुझे, एकदम आराम से चलाते हैं, मस्त मौला आदमी, एकदम ऐसे ही होना चाहिए भाई। तो वैसे राइड करने का देखो एक मतलब होता है सिंपल सा कि रिलैक्स करना, चिल आउट करना, ये मतलब नहीं होता कि भगाना 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 बीच बीच में चलता रहता है ठीक है, लेकिन
नॉर्मली चलाओ, पीसफुली चलाओ, आराम से चलाओ, तो एक अलग मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। तो गाइस यहाँ सब बंदे भगाते हैं, फक 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 डब हो जाता, अबे तो फक डब हो जाता तरुण, अबे तो सब फक डब हो जाता। ये मेरे पीछे भी लगा हुआ था, हाँ क्या इतना सा बचा था बस। हे भाई बच गए सब, नहीं तो यार उस ठेले वाले के पीछे घुस जाते ने। आराम से देखो, ये है हमारे असली ब्लॉगर साहब। तो गाइस डाउन टू अर्थ बंदे जमीन से जुड़े हुए। सो गाइस ये व्यू देखो आप, अब एक अलग व्यू है, इतने सारे भाई लोग बैठे हैं। भाई देख लो, हमेशा मनाली का बोल के अरावली में ले आते हैं और फिर कहते हैं हाँ बेटा लेके चलेंगे तेरे को पहाड़ों के अंदर, ये पहाड़ों में दिखा रहे हैं, गुड़गांव में ले आए हैं। नकली ब्लॉगर है ये सारे, हर संडे यही करते हैं, कहते हैं हर हफ्ते लेके जाएंगे, कभी मनाली कभी कहीं पे मसूरी वसूरी, ये मसूरी है देख लो। मसूरी देख लो भाई, गुड़गांव वालों का यही मनाली है, यही मसूरी है, कहते हैं होगी हमारी लॉन्ग राइड। भाई यहाँ चुपके चुपके पावर बैंक है, ऐसा है क्या? फिर तो दे दो यार, धन्यवाद। यहाँ भाई चुपके चुपके पावर बैंक निकल रहा था, यहाँ चुपके चुपके पावर बैंक निकल रहा था, मैंने मांग लिया। नहीं वायर मेरे पास भी है ना, तो भाई इसे कहते हैं चुपके चुपके पावर बैंक से चार्ज करना। केडी भाई की दुकान है यहाँ पे, राठी कैफे नाम से। मैं भूल गया, मैं भी तो व्लॉगर हूँ। हाँ तो भाई अपन सारे हैं असली व्लॉगर। सो भाई 2.5 करोड़ साल बाद आ चुके हैं परांठे, अभी 2.5 करोड़ साल से 2 करोड़ साल हो गए थे हमें वेट करते करते, फाइनली 50 करोड़ साल वेट करना पड़ा और 2.5 करोड़ साल हो चुके हैं प्रॉपर। सही बात है भाई, वेट करते करते अब देखो यार, वो देखो पीछे पहाड़ का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे देखो गाइस मतलब एक अलग एक शांति, एक अलग माहौल, सब मतलब एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे देखो पीछे सारी बाइक्स खड़ी हैं, ये हार्ले डेविडसन है, फिर अपनी बाइक के सारे ग्रुप की क्रू के आगे लगी हैं, एंड फिर यार बस चलते हैं, उसके बाद एक जगह पे चलते हैं, वीडियो बनाएंगे और फिर बिल्कुल भाई बिल्कुल वीडियो बनाएंगे चल के, अभी 8-10 गाड़ियाँ इकट्ठे खड़े करके वीडियो बनाएंगे मस्त आकड़ वाली। सो यस गाइस इट्स अ डैम R3, लुक्स डैम कूल, बहुत मस्त लग रही है, एंड हियर आर द बीस्ट निंजा 300 अलोंग विद दैट। ओह डैम ब्रदर, R3 क्या कॉस्ट कर रही है ऑन रोड ब्रदर? 5:30 5:30 फोटोज ले रहे थे आप, फोटोज ले ली आप लोगों ने? मैं भी ले लेता हूँ एक फोटोज, एक मिनट देना। टाटा ठाड़ा 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 सो गाइस चेक दिस आउट, दैट्स एन और आगे। सो गाइस हियर्स अ लुक, दैट्स एन अमेजिंग पीसेस, बड़ी लवली मशीन से एक साथ मिली है भाई बड़े दिनों बाद। तीनों 300 सीसी के सेगमेंट की, दैट इज प्रीटी कूल यार, ये व्यू ना सच में एकदम दिल जीत लेने वाला व्यू है। हाँ
मेरे ख्याल से फर्स्ट R3 देख रहा हूँ मैं अभी तक, तो किसी के पास है नहीं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के पास, है ना? दैट्स कूल. पैरेलल ट्विन इंजन कूलनेस. आई हैव टू फाइंड द शोरूम फॉर लाइक 4 मंथ्स. हां, बुक्ड इन दिसंबर 16th और अभी अप्रैल में जाके डिलीवरी. शिट, मैंने भी मेरी गाड़ी लास्ट मई में ली थी लास्ट ईयर, बट मैं R3 का वेट कर रहा था. मैं वेट ही करता रह गया, आई नहीं. आल्सो वेटेड फॉर लाइक 7 इयर्स. राइट राइट. माय हैंड्स ऑन वन. हां हां. और ये मॉडल तो वैसे भी 2019 में लॉन्च हो गया था. राइट राइट. स्टिल इट टुक ऑलमोस्ट 4 इयर्स टू देम टू बाय ला सके वो यहां पे. एग्जैक्टली. बट मेनली जो कंपटीशन रहता है ना, इन्हीं तीनों में रहता है. बट वो थोड़े से अपर सीसी सेगमेंट की हो जाती हैं, फिर वो 300 में रह नहीं जाती एक्चुअली में. एक इन अ वे या यू कैन से इट, क्योंकि 500 सीसी है, नियर टू 500 है. राइट. बट अगेन अगर नॉर्म्स उठा के देखेंगे तो दीज आर बिलो 47 bhp. राइट राइट. दीज ऑल फॉल्स इन द सेम सेगमेंट. उन्हें बोलो रुकने को, वो लोग जा रहे हैं उन्हें रुकने को बोलो एक बार आगे से जाके. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम सून, कभी राइड करते हैं साथ में. दैट्स प्रीटी कूल यार. गाइस ये थे यामाहा R3, द टोटली बीस्ट एट अनदर लेवल, अनदर बाइक. प्रीटी कूल, बहुत अच्छी लगी मुझे. एंड ओवर देयर इज द निंजा 300, बेबी निंजा. जबरदस्ती बनाता बंदा, पता है आपको? फिर ओहो, हमारा बंदर हमारा बंदर. चलो चलो जल्दी चलो, हम लोग अपनी वीडियो शूट वहां कंप्लीट कर लेंगे. 10 मिनट में हो जाएगा काम, इससे ज्यादा नहीं लगते. क्यों भाई जी? सो गाइस, हियर इज अ लुकआउट. जस्ट चेक दिस, चेक दिस अमेजिंग व्यू. यहां सब अपने लड़के देखो और मस्ती कर रहे हैं. R15 डोमिनेटर 400, डोमिनेटर 250, ड्यूक 390, मेरी आरसी 390 हाई, ड्यूक 200, MD15, R15. एंड ये वहाँ से लगा नहीं रहे गाड़ी. तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? पहले तो यहाँ की पब्लिक से पूछ लो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है भाई की बाइक. ये क्या तुम भाई गुटखा थूक रहे थे, मुंह में गुटखा था भाई के. ठीक है यार, बट इससे ना तुम्हें देखो, इससे एक चीज करनी थी तुम्हें, इससे हल्का सा कोई मैचिंग कलर लेना था तुम्हें. ब्लू थोड़ी सी अलग लग जा रही है. या तो पूरा ब्लैक करा लो. देखो टू बी ऑनेस्ट, या तो पूरा ब्लैक करा रहे हो तो पूरा ऊपर ग्राफिक्स करवा रहा हूं डेविल वाला इस बार. ओके, मैं कुछ कहना चाहूंगा, कार्बन इनको यहां पे कार्नेज की जगह क्रिंज लिखवाना चाहिए था. मेरी बाइक क्रिंज हो चुकी है, क्रिंज टिकटॉकर क्या यार, तो बंदी हो गई. कार्नेज की जगह जो ज्यादा कमेंट मार रहे हैं उनको इनकी बाइक दिखा के आ जाओ भाई. ये फॉग में काम आती है. अच्छा, ये फॉग के लिए लगा रखी है भाई इन्होंने तो. ये छपरी है. अच्छा, ये तो अलग से लगाया है, तो निकाल भी सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो निकाल दोगे तो. अजय क्या कर रहा है कोपचे में? मैंने आके मारनी है तेरे घुसंड. अंकित एक सबकी ग्रुप में फोटो ले ले. आ जाओ भाई, लोग आ जाओ भाई. बड़ी खतरनाक रेस लगाते हैं सारे. अरे यार कसम से यार, ये कूलर एकदम जन्नत महसूस करा रहा है. यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा गाइस. देख लो ऐसी होती है जन्नत. राइडिंग के बाद अगर आपको हवा मिल रही है तो आप जन्नत में हो, जन्नत में. हा चलते हैं गाइस घर पे सीधा. हाँ, बेलुगा राइडर के नाम से. हाँ जी, आपका गुड नेम? सनी नाम है सर. सनी जी, सही है. तो भाई अपने नए नए सब्सक्राइबर्स बनते रहते हैं यार, ऐसे ही अच्छा लगता है. हाँ जी यही है. चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. ले लो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हूँ मैं भी यही.
सही है, चलो यार। ऐसे ही लोग अच्छे मिल जाते हैं सपोर्ट करने वाले, तो यार दिन बन जाता है गाइस। ऐसे ही अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है एकदम। गाइस गाड़ी में पेट्रोल भर दे, गाड़ी तो भाई रॉकेट हो जाती है, रॉकेट। तो गाइस अब हम सब लोग चल रहे हैं, काफ़ी सारे अब दोस्त लोग चले गए, मैं और विवेक भाई जरा रुक के थोड़ी देर कुछ बात कर रहे थे, एंड बस फिर अभी जो एक पास आएगा मैं वहाँ से लेफ्ट ले लूँगा भाई, सीधा हाईवे से एम्बुलेंस के लिए निकल जाएंगे। और गाइस आज की राइड हमारी यहीं धीरे धीरे ख़त्म होती है,